लाइफ में जो सबसे बड़ी खुशी मिलती है ना, वो तब मिलती है जब आप कोई सपना देखते हो, कोई ड्रीम देखते हो और वो ड्रीम आप अचीव कर लेते हो। ये सबसे बड़ी खुशी देती है यार। ऐसा ही मेरा कुछ सपना था जब हम नीट 2019 का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो प्रिपरेशन फेज में ऐसा होता है ना कि बहुत बार लोग डिमोटिवेट भी होते हैं, बहुत बार मोटिवेट भी होते हैं। तो मोटिवेट करने का सोर्स उसके पास वही रहता है कि वो अपने ड्रीम के बारे में बार बार सोचते हैं कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे जाना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करना है, मुझे भी इस भैया की तरह मुझे भी अच्छा डॉक्टर बनना है। तो ये सारे सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते रहते हैं। तो यार मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था जिसके वजह से मैंने कुछ और इंटेंसिव प्रिपरेशन करा था लास्ट के समय में। और एक्चुअली ऐसा है ना कि यार अभी आपके पास फोन वगैरह बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेरे साथ वैसा था नहीं। तो यार आज के इस वीडियो में आप कुछ बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग भी रहेगा। वो टॉपिक क्या है यार कि जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं ना मेडिकल कॉलेज में, जब नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन करने के बाद जब हम मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो क्या कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, फर्स्ट मंथ कैसा होता है, फर्स्ट डे कैसा होता है। अगर मैं आपसे वो चीज़ शेयर कर दूँ ना, जो वाइब्स मैंने उस समय गेन किया था वो चीज़ अगर मैं आपसे शेयर कर दूँ तो शायद आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा अंदर से। और ये चीज़ मुझे भी दिया गया था। मैं बता रहा हूँ जब मैं नीट 2019 का प्रिपरेशन कर रहा था अपने कोचिंग में, उस कोचिंग में लास्ट के जब 3-4 महीने बचे हुए थे ना, तो वैसे एलुमनीज होते हैं ना जो पहले से नीट क्रैक करके किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो उनका बार बार कभी कभी विजिट होता था। तो पता है मेरे कोचिंग में ऐसे ही एक भैया आए थे, ठीक है, 2-3 भैया आए थे जिसमें से एक भैया मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने उनसे बात किया तो वही कुछ शेयर कर रहे थे अपनी जर्नी की, कॉलेज में ऐसा जाते हैं तो मतलब बहुत मजा आता है वहाँ पे, तो लाइक बहुत सारे फेस्टिवल्स होते रहते हैं, बहुत सारे मतलब पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और वहाँ पे किसी प्रकार का उतना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। और एक और चीज़ उन्होंने बताया कि सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारा बदलाव हो जाएगा। अभी तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बट आगे जाके आपका फिजिक्स हट जाएगा, आपका केमिस्ट्री हट जाएगा, बायोलॉजी में से भी आपका बॉटनी हट जाएगा, बस एक ह्यूमन फिजियोलॉजी जो साथ रहता है फर्स्ट ईयर में वो रहता है, बाकी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये सारे चीज़ था ना जो मुझे पर्सनली अपने खुद के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करा था। तो यार आज इस वीडियो में मैं बहुत कुछ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैंने क्या फर्स्ट डे में एक्सपीरियंस करा था, फर्स्ट नाइट मेरा कैसा था, रैगिंग वाला सीन में आपको कुछ शेयर करूँगा, और साथ में यार पूरे एक मंथ मैंने कुछ क्या क्या एक्सपीरियंस करा अपने मेडिकल कॉलेज में वो भी शेयर कर रहा हूँगा। सो हाई एवरीवन, माय नेम इज शशि कुमार एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माय थर्ड ईयर ऑफ MBBS, ठीक है। तो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में पहली बार आया था ना मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने शायद पहले भी कुछ चीज़ें शेयर कर रहा था आपसे कि पहले तो काउंसलिंग के लिए जब आए थे तो गार्डजी मना किए थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उस समय मैंने बोला था कि नहीं मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हूँ। तो गार्डजी ने बहुत रेस्पेक्ट से बोला था, अच्छा अच्छा सर ठीक है आप फोटोज़ वगैरह ले लो। तो ये चीज़ जो उस समय मैंने पहला दिन एक्सपीरियंस किया। बट यार जब हम कॉलेज में आए थे ना, तुमको पता है मैं ना कॉलेज में आना मतलब हॉस्टल लाइफ मैं पहली बार जीने जा रहा था। मतलब एक बार बहुत बचपन में लाइक थे हॉस्टल में, बहुत जब छोटे होते ना 1-2 साल 3 साल का, उस समय मुझे पता नहीं क्यों हॉस्टल में रख दिया गया था। बट उसके बाद फाइनली हम कॉलेज में आने के बाद हॉस्टल लाइफ जीना शुरू किए थे, ठीक है। तो पहली बार हम हॉस्टल में आए थे और हॉस्टल में जो हम इंटर किए थे अपने मेडिकल कॉलेज का, वो अबाउट आई थिंक 6 PM था, शाम को 6 PM में मैंने हॉस्टल में आया था, ठीक है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो पहले से हॉस्टल में आ चुके थे, मैं ये वीडियो के थ्रू कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो पहले से हॉस्टल में आ चुके थे, तो यार उनका ना सीनियर से इंटरेक्शन हो चुका था, फाइन। तो जब मैं पहुंचा ना तो फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि तुम ये कर लो, ये सब बहुत चीज़ें होते हैं ना जो उनको पता चल जाता है सीनियर्स अगर इंटरेक्ट करते तो, वो सारे गाइडलाइंस मुझे दे दिए गए थे। उस समय पता है मुझे ऐसा लग रहा था यार कि मैं तो कॉलेज में आया हूँ ऐसे कुछ फन करने के लिए, जो भी होता है ना स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है कि जब आप नीट के फेज से लौट के कॉलेज में आते हो तो एक्सपेक्टेशन ऐसा ही रहता है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर जो होंगे बहुत मस्ती करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई तो रहता ही। बट मैं उस टाइप का नहीं था कि मुझे कॉलेज में आके पढ़ाई करना है, क्योंकि यार मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखा था नीट के समय में, तो मुझे दिमाग में हमेशा घूम रहा था नहीं मुझे कॉलेज में जाके मस्ती करनी है, ठीक है। बट फर्स्ट डे ही जब मैं नाइट में कॉलेज में पहुंचा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाने लगे थे कि तुम्हें अपना पूरा इंट्रो याद होना चाहिए, ये सब मैं वो सारी चीज़ बता रहा हूँ। तो जब उन्होंने मुझे ऐसा बताया ना तो फिर मैंने कोशिश करा कि चलो कर लेते हैं, सीनियर्स बोल रहे हैं तो करना तो ज़रूरी है। और भी कुछ थे कि मतलब ये जो होता है ना आपका फुल सेव होना चाहिए, बाल छोटा होना चाहिए, फ्रेशर की तरह दिखना चाहिए, फ्रेशर की तरह फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, तो ये सारे गाइडलाइंस जो मुझे फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे में दे दिया गया था। अब देखो ऐसा होता है ना कि जब आप मेडिकल कॉलेज में आते हो नीट के फेज से, तुम्हें टोटली न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं,
मिलते हैं ना टोटली न्यू फ्रेंड्स, तुम्हें पता भी नहीं होता कि सामने वाला कौन है, सामने वाला तुमसे कितना बड़े हैं, ये सब चीज़ नहीं पता होता। इवन मेरे ही एक फ्रेंड थे जो थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉप लेके आ चुके थे, मैं उसको भैया भैया बोलता था। बट ऐसा नहीं होता बैचमेट्स, जो अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा ड्रॉप लेके भी आते हो या फिर फ्रेशर मतलब एक अटेम्प्ट में ही आ जाते हो, बट सब लोग यहाँ पे सिमिलर रहते हैं। तो फर्स्ट नाइट में मुझे कुछ गाइडलाइंस दिए गए, फिर सीनियर्स आए रात में, फिर मिले मेरे से मिले और भी दोस्त जो भी बैचमेट्स आ चुके थे उस दिन, उन सब से मिले। और मिलने के बाद यार वो है ना, अब पता ही कि सीनियर्स थोड़ा सा वो होते हैं, तो मेरे पास आया, नाम पूछे। नाम तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि इंग्लिश नहीं बोला जाता है, तो मैंने अपना नाम ऐसे इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया कि माई नेम इज़ शशि कुमार एंड लाइक ये। तो सीनियर्स ने उस समय मुझे मना कर दिया, और मना करने के बाद पनिशमेंट भी दिया था। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कॉलेज में आते हो ना, तो एक एटिकेट सिखाया जाता है कि आप वैसा ही बोलो जो बाकी लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप मान लो पेशेंट आपके पास आते हैं, पेशेंट आपके पास रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आप उस समय इंग्लिश तो नहीं बोलोगे ना, किसी एक लैंग्वेज को प्रीफर करना होता है, ठीक है। तो वही वहाँ पे बताया गया था कि कॉलेज में आया हो तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलो, या अगर इंग्लिश बोलना है तो पूरा इंग्लिश बोलो। तो मेरे को इंग्लिश तो आता नहीं था, ऐसा भी अभी भी उतना आता नहीं, तो वहाँ पे मुझे हिंदी ही बोलना था, तो इंग्लिश बोलने की वजह से मुझे थोड़ा सा पनिशमेंट मिला था। तो ये चीज़ थी जो मैंने फर्स्ट नाइट में एक्सपीरियंस करा था। बट धीरे धीरे जब कॉलेज स्टार्ट होने शुरू हुए, तो मुझे पता चला कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तीन सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी टफ होता है, फिजियोलॉजी थोड़ा सा ईजी होता है, बायोकेमिस्ट्री जनरली लोग पढ़ते नहीं है। तो जब मेरा क्लास स्टार्ट होना शुरू हुआ था, तो स्टार्टिंग के फेज में क्या होता है ना यार, अगर क्लास में आप जाते भी हो ना, तो आपको क्लास थोड़ा सा बोरिंग टाइप से लगता है। आई डोंट नो आप लोग के साथ हुआ कि नहीं, बट मुझे पर्सनली हो रहा था कि मुझे क्लास बोरिंग लग रहा था। पता है क्यों? क्योंकि यार मैं एक्सपेक्ट करके आया था ना कि मतलब नॉर्मल सा होगा सब कुछ, बट ऐसा नहीं था। काफ़ी ज़्यादा पढ़ना था, क्योंकि फर्स्ट डे में ही टीचर लोग इतना सजेस्ट करते कि ये बुक खरीदना, ये सारा चीज़ें, तो क्लास मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता था। बट ऐसा था ना कि क्लासेस के चीज़ें ना, अगर मान लो कोई क्लास में तुम्हें समझ में नहीं आता कुछ चीज़ें, तो वो आप कहीं और से भी कवर कर सकते हो। तो वो चीज़ मुझे सीनियर्स ने भी सजेस्ट किया था कि जो चीज़ क्लास में ना समझ में आया वो तुम यहाँ से कर लेना। अब यहाँ से करने का मतलब क्या कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, जहां से आप यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर नीट पीजी का प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक जो मैंने फर्स्ट ईयर में फॉलो करा था वो प्रेपलेटर को करा था। तो थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ इसके बारे में। तो प्रेपलेटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप नीट पीजी का प्रिपरेशन कर सकते हो। बेसिकली हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो यार फर्स्ट ईयर के बारे में बता दूं कि फर्स्ट ईयर हमारे पास तीन सब्जेक्ट होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो यार एनाटॉमी जो यहां पे पढ़ा है वो राजेश कुमार कौशल सर पढ़ा है, जो काफी अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजी जो पढ़ा है वो डॉक्टर विवेक नालगिरी का सर, ठीक है। एंड बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ा है वो डॉक्टर स्माइली पुरोहित पापा मैम। तो ये जो तीनों टीचर्स हैं कॉम्बिनेशन, तो मुझे वो काफी अच्छा लगे। एक्चुअली बात ये है कि प्रेपलेटर पे आपको नोट्स भी मिलते हैं। अब ये जो नोट्स होते हैं ना, ये हार्ड कॉपी भी होता है और सॉफ्ट कॉपी भी होता है, मतलब पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप अगर हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हो वो भी आप मंगवा सकते हो। नोट्स की खास बात ये थी ना कि वहां पे क्लियर डायग्राम मिलते हैं, अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट रहता तो वो इंपॉर्टेंट बॉक्स के फॉर्म में आपको मिल जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो याद नहीं होता है, तो उसके लिए निमोनिक्स भी वहां पे प्रेजेंट होता है। और साथ में पता है प्रेपलेटर पे एक और चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, वो था वहां का क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक में इसलिए अच्छा लगा ना, क्योंकि अगर मान लो वहां पे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो क्वेश्चंस के साथ साथ जो सॉल्यूशन आते हैं ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन रहता है, नहीं, वहां पे जितने ऑप्शन रहते हैं ना, वो सारे ऑप्शन के परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रहते हैं। और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको एक ट्रीजरर मिलता है। वो ट्रीजरर होता क्या है कि उस क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानकारी, ठीक है। और साथ में एक वीडियो रिकमेंडेड रहता है। तो ये चीज प्रेपलेटर पे मुझे काफी अच्छा लगा था। और अगर आप यार फर्स्ट ईयर में अभी आ रहे हो ना, तो एटलीस्ट प्रेपलेटर चेक जरूर करना। अगर आप प्रेपलेटर को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो ज्यादा आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप पहली बार डाउनलोड करते हो तो 24 आवर्स के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लेना। तो यार ये जो थे ना, सीनियर्स ने मुझे बताया था कि क्लास में अगर कुछ ना समझ में आए तो अदर सोर्सेस हैं, वैसे यूट्यूब भी है जहां से आप कर सकते हो, बट अदर भी प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे। तो ये जो मुझे नहीं पता था, क्योंकि नीट के लिए तो अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना, PW है, लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं नीट के लिए, बट ऐसा मुझे नहीं पता था कि मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा होता है, बट यहाँ आके पता चला था, ठीक है। तो यार फर्स्ट क्लास में जो होता है ना, जनरली हम लोग क्लासेस जो होते थे ना, वो आई थिंक 8 बजे से होता था, ठीक है। मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना भूल गया कि हम लोग का जो स्टार्ट हुआ था कोर्सेज जो होता है, MBBS का कोर्स स्टार्ट हुआ था, वो एक फाउंडेशन कोर्स से हुआ था, जो सबसे स्टार्टिंग में ही होता है, 15 डेज का। अब इस फाउंडेशन कोर्स में हम लोग को बहुत कुछ एक्स्ट्रा सिखाया गया था, लाइक अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है ना, तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में आप टैलेंट शो नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ये सब चीज़ होता है। देखो प्लेटफॉर्म आपको यहाँ मिलता है, मुझे भी मिला था, मैंने भी बहुत सारा एक्सप्लोर किए हैं कॉलेज में आके, तो आप भी कर सकते हो। वो 15 डेज स्टार्टिंग के मिलते हैं, जहाँ पे आप अपने
जो भी टीचर्स होते हैं वो लोग आ रहते हैं, फाउंडेशन कोर्स नाम का एक 15 डेज का प्रोग्राम होता है जहाँ पे बहुत कुछ सिखाया भी जाता है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होते हैं, तो वो चीज़ स्टार्टिंग में होता है। फिर क्लासेस शुरू होते हैं, क्लासेस जनरली हम लोग का 8 बजे से हुआ करता था, बट सीनियर्स की इंट्रैक्शन की वजह से जो रात में होते हैं ना, जनरली सीनियर्स का इंट्रैक्शन रात में होता है, जिसको PDP बोलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ज़्यादा हिंदी बोलो तो रैगिंग बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ जनरली रात में होते हैं। और यार अगर आपको लगता है ना कि रैगिंग बहुत ख़राब चीज़ है जो मैं नहीं दूंगा, मतलब मुझे फोर्सली करा जाएगा, ये सब चीज़ बहुत गंदे तरीके से होगा, जैसे 3 Idiots मूवी में जो होता था वो सब होगा, तो यार वैसा कुछ नहीं होता है। मतलब होता है, आई नो होता है, बट उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, बट कोशिश करूंगा ये चीज़ को मैं अलग वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। बट यार रैगिंग के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, मैं लास्ट में बता दूंगा क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। तो रैगिंग वाला जो सीन होता है ना यार, देखो मेडिकल कॉलेज का स्टार्टिंग का 1 month अगर एक्सप्लेन करो ना तो वो रैगिंग में ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप डर के रहते हो, कॉलेज में डर के रहते हो, टू बी ऑनेस्ट आप कॉलेज में डर के रहते हो, जहाँ पे आप ना जल्दी से बाहर जा सकते हो, ना फिर सर उठा के घूम सकते हो, मतलब ऐसा होता ना, सीनियर से इंटरेक्ट कर सकते हो ठीक से, सीनियर्स आपसे इंटरेक्ट करेंगे बट आप डर के करोगे सीनियर से इंटरेक्ट। तो ये चीज़ फर्स्ट 1 month में मैंने एक्सपीरियंस करा था, ठीक है। बाकी पढ़ाई को लेके ऐसा नहीं कि पढ़ाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ होता है। देखो फर्स्ट ईयर में होता है कि 3 subjects होते हैं, तो ये जो 3 subjects होते हैं ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो ना तो हो जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बेसिक सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें फाइनली जब डॉक्टर बन जाओगे ना उस समय आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन ये जो 3 subjects हैं जस्ट बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उतना आगे काम नहीं देता। बस हाँ नीट PG में क्वेश्चंस आते हैं इससे, उसमें आपको काम देगा। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, मतलब उतना लाइटली, मतलब उतना सीरियसली कोई लेता नहीं था, ठीक है। हाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नीट के बाद जब कॉलेज में आते हैं तो यहाँ भी बहुत पढ़ते हैं, बट मैं पर्सनली उस कैटेगरी में से नहीं था, ठीक है। तो स्टार्टिंग का 1 month यार शेयर करने को तो बहुत कुछ है, नए फ्रेंड्स बनते हैं, आप कॉलेज में आते हो तो एक्साइटेड रहते हो रिलेशनशिप में आने के लिए, तो ये सब चीज़ें होते हैं। अब अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट होता है तो टैलेंट को एक्सप्लोर करने का सबसे ज़्यादा टाइम आपको फर्स्ट ईयर में ही मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग करते हो, और यार मतलब शेयर क्या करूँ, बहुत कुछ है मेरे पास शेयर करने को। अगर देखो ऐसा भी होता है कि जब आप कॉलेज में आते हो ना तो आपको ऐसा लगता रहता है कि हमारे ऊपर कोई है जो गाइड करेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपके ऊपर कोई है जो आपको हमेशा पकड़ के रखेंगे कि तुम ये नहीं करो, तुम ये नहीं करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप क्लास में नहीं भी पढ़ोगे तो प्रोफेसर आपको एक बार भी नहीं बोलेगा कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। अगर आप कुछ करते टास्क नहीं करते हो तो हो सकता है प्रोफेसर आपको डांट देंगे, लेकिन यार उनका काम है पढ़ाना। अगर आप क्लास में सो रहे होते हो तो हाँ कुछ प्रोफेसर होंगे जो आपको डांट देंगे, बट यार किसी को कुछ मतलब नहीं होता है। पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि कॉलेज में आने के बाद खुद के करियर को अच्छा करना आपके हाथ में है। अगर आप काम नहीं करते हो तो मान लो कि आपका करियर बर्बाद ही होने वाला है। वैसे पेरेंट्स को भी यार कुछ पता नहीं रहता है कि मेरा बेटा कॉलेज में क्या कर रहा है या फिर बेटी कॉलेज में क्या कर रही है। तो यार बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब कॉलेज में आप जाते हो ना तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद से लेना सीखना होता है। कि अगर आप मान लो कहीं पर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो खुद से रियलाइज कर रहे हैं कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये चीज नहीं करना है, ठीक है। कोई डांटने वाला इवन आपको सीनियर्स भी नहीं डांटेंगे। मैं आप पर्सनल लेवल बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ गलत भी करते हो ना तो कुछ ऐसे सीनियर्स होते हैं जो आपका मजे ही लेंगे, डांटेंगे नहीं, तो ना बड़े भाई की तरह काम करना। यार वैसे कुछ ही सीनियर्स मिलते हैं कॉलेज में। कि जब आप कॉलेज में आते हो ना तो कॉलेज में आने के बाद एक ऐसा चेंजेस आता है, जो मेजर चेंजेस होता है ना खुद के पर्सनालिटी में चेंज होता है। जैसे आप रैगिंग देते हो ना स्टार्टिंग के समय में, रैगिंग देना मतलब वही सीनियर्स आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो आप ना एकदम भोंदू सा रहते हो, ठीक है। जो मैं पर्सनली मैं भी था, मैं तो एकदम फ्रेशर था, फ्रेशर को यार कुछ ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है, ठीक है। मतलब नॉलेज मतलब बहुत चीज़ें नहीं पता होता है, तो रैगिंग से ना वो सारे डेवलपमेंट आपके अंदर आता है। आप सही से बात कर सकते हो किसी से, आप किसी के सामने खड़े हो सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, इवन आप पेरेंट्स के सामने भी अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, जो भी दोस्त होगा वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट होकर बात कर सकते हो। तो ये सारे बदलाव रैगिंग से होती है, ठीक है। रैगिंग के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा अगले किसी नए वीडियो में इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करने का, ठीक है। तो यार कॉलेज में आने के बाद आपके लिए बहुत बड़ा चांसेस रहता है कि आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सको और बहुत कुछ सीख सको, ठीक है। तो कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना, अगर आप अभी कॉलेज में आ रहे हो या फिर फ्यूचर में कॉलेज में आओगे, तो टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ कि कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना, और बेसिकली फर्स्ट ईयर को एंजॉय करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो स्टार्टिंग का 1 month होता है ना, वही आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हो, क्योंकि वही 1 month होता है जहाँ पे आप इंटेंस रैगिंग देते हो, वही 1 month होता है जहाँ पे आप फ्रेंडशिप बनाते हो, वही 1 month होता है जहाँ पे आप रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हो, आपका कटता है, ये सारी चीज़ें वही फेज में होता है। तो यार फर्स्ट 1 month जो होगा ना उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करना, नॉट ओनली फर्स्ट 1 month, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर को एंजॉय करना, ठीक है। तो यार
आई थिंक ये इतना काफ़ी है आपको मोटिवेट करने के लिए, और बहुत सारा इन्जॉयमेंट होता है, ठीक है। पढ़ाई से के साथ साथ आप बहुत कुछ इन्जॉय भी करोगे, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, अभी भी हम इन्जॉय करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई होता है, तो यार आई थिंक इतना काफ़ी है आपको मोटिवेट करने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि रैगिंग वाले पोर्शन को एक्सप्लेन करने के। हाँ, किसी नए वीडियो में कुछ बातें और वीडियो के लिए रहना चाहिए, ठीक है। तो यार ओके, बाय बाय। एंड चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो।